खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी केवल राम चौराहे पर स्थित है, जहां पर आपको सभी प्रकार के पंखे, चिमनी सहित गैस चूल्हा और किचन से संबंधित पूरी रेंज मिल जाएगी। एक बार आप विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पूरे देश में होली, रंगपंचमी, नव दुर्गा, मोहरम, चेट्री चैंड सहित आने वाले दिनों में कई त्यौहार हैं। मध्य प्रदेश का खंडवा जिला सेंसिटिव है। शहर और ज़िले में शांति समिति की बैठकें की जा रही हैं और शांति समिति की बैठक आज खंडवा कलेक्ट्रेट में भी हुई, जहां मुस्लिम और हिंदू समुदाय सहित सभी समुदाय के लोग इस शांति समिति की बैठक में शामिल हुए। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एसपी विवेक सिंह, एडिशनल एसपी सीमा अलावा अपर कलेक्टर श्री सिंघाड़े सहित आला अधिकारी मौके पर थे। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और एसपी विवेक सिंह ने सभी समुदाय के लोगों से यह अपील की कि आने वाले दिनों में जो त्यौहार हैं उसे शांतिपूर्वक मनाया जाए, खूब लोग सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, त्यौहारों को खूब मस्ती मजाक बढ़िया तरीके से मनाएं, लेकिन अपने ही त्यौहारों पर फोकस करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें, इसकी सूचना प्रशासन को दें। सभी अपने अपने जो त्यौहार हैं उन पर फोकस करते हुए उसे बेहद धूमधाम से मनाएं, लेकिन शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, ज़िले में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर भी प्रशासन सहित सभी गणमान्य नागरिकों की, शांति समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी उसे बखूबी निभाएं, अपने अपने समुदाय में मैसेज पास करें कि बहुत ही धूमधाम से त्यौहार मनाएं। प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो शहर की रोड पर साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और गड्ढे ना हों, इसको लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि गड्ढे भरे जाएँ, सहित प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सभी जो शांति समिति के सदस्य हैं उन्हें आश्वासन दिया गया कि प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा, लेकिन सभी लोग शांति से त्यौहार मनाएं। इसके लिए जो शांति समिति के सदस्य हैं, जिम्मेदार मौजूद लोग हैं, वह अपने समुदाय और अपने अपने लोगों में यह मैसेज फैलाएँ कि अपना त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाएँ, दूसरों के त्यौहारों पर, दूसरे के जो कार्यक्रम है उन पर ध्यान ना दें, अपना त्यौहार बहुत एंजॉय करें और मिलजुल कर त्यौहार मनाएं, ताकि और शहर में जो भी कोई समस्या है उसको लेकर प्रशासन को अवगत कराएं, किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें, सहित सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाएं, इसको लेकर आज इस शांति समिति की बैठक में रूपरेखा बनाई गई। सभी से अपील की गई कि बेहद धूमधाम से त्यौहारों को एंजॉय करें, क्योंकि अब कोरोना काल चला गया है, ऐसे में काफ़ी भीड़भाड़ रहेगी, प्रशासन की तरफ से कोई बंदिश नहीं है, लोग खूब एंजॉय करें परंतु शांति के साथ एंजॉय करें, शहर में माहौल ख़राब ना हो, इसको लेकर सभी प्रयास करें। निर्देश हम लोगों ने दे दिए हैं, पुलिस विभाग अपना काम करेगी, नगर निगम अपना काम करेगी। आगे आगामी जो त्यौहार आने वाले हैं हिंदू संप्रदाय के, इसकी तैयारी के मद्देनजर कि सभी हर त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मने, आपसी भाईचारे से मने, उसके संबंध में मीटिंग रखी गई है। तो जो अभी मोटा मोटी जो पिछले साल में जो तैयारियां हुई हैं उसी क्रम को मद्देनजर रखते हुए इस साल की तैयारियां की गई है। अब आप लोगों की यदि कोई सुझाव करके बता दें, उसके बाद हम लोग लास्ट की बात करें। और आपका